झोली में आपके चार पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। अंगराज कर्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। पांचवा पांडव भी कर्ण से हार गया। और वो अर्जुन कहाँ है? कल कर्ण से हार गया था वो, इसीलिए मुंह छुपा रहा होगा। अब यदि अंगराज कर्ण ने युधिष्ठिर का वध कर दिया तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन विजयी होगा। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं। जुआ, जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। हां, जीवन दान। जाइए और जाकर द्वारकाधीश की आड़ में मुंह छुपाने वाले उस अर्जुन को भेज दीजिए और उसे कहिए, अब यदि उसमें वीरता के गुण का एक भी कण है तो आकर मेरा सामना करे। जाइए। ए साथी, अपने सम्राट युधिष्ठिर का रथ उनके शिविर में ले जाओ ताकि ये किसी और का शिकार न बन जाए। ले जाओ। कर्ण ने युधिष्ठिर को भी जीवन दान दे दिया। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? विजय के नशे में अपने होश हवास खो बैठा है वो। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। युधिष्ठिर को जीवन दान दे रहा है। उसे तो चाहिए था कि वो युधिष्ठिर का वध कर देता। कैसे करता महाराज? युधिष्ठिर निशस्त्र जो हो गया था तो क्या हुआ? अभिमन्यु भी तो निशस्त्र था, उसका वध किया गया कि नहीं? आचार्य द्रोण भी तो निशस्त्र थे, उनका भी वध किया गया कि नहीं? पितामह ने भी अपने शस्त्र झुका दिए थे, फिर भी शिखंडी की आड़ लेकर उनका वध किया गया था। एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया गांधारी, एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। ग्रास मुंह तक आकर छिन गया। तुम दोनों वापस रणभूमि पर जाओ। परंतु बड़े भैया, इस दशा में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो सहदेव, इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, जाओ। और हां, अब मुझे केवल कर्ण के वध की प्रतीक्षा है। जैसे उसका वध हो मुझे शीघ्र ही समाचार सुनाओ। जाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री।
का रथ कहाँ है? भीम भैया, बड़े भैया का रथ कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ वासुदेव, बड़े भैया शिविर में चले गए हैं। हम यही बताने आए हैं। बड़े भैया शिविर में चले गए हैं, युद्ध के बीच में? वो कर्ण से परास्त हो गए हैं। कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया है, इसीलिए बड़े भैया लज्जित हो गए हैं। उस सूत पुत्र की यह हिम्मत! बड़े भैया का इतना बड़ा अपमान किया कर्ण ने, जीवन दान दे दिया। बड़ा दानवीर बन रहा है, परंतु आज मैं उसे मृत्यु दान दूंगा। चलो केशव, रथ को शीघ्र कर्ण के सामने ले चलो। नहीं पार्थ, पहले तुम्हें बड़े भैया के शिविर में जाना चाहिए। उन्हें इस दशा में अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है। जल्दी आ गए, क्या कर्ण का वध हो गया? नहीं बड़े भैया, हम आपकी पराजय का समाचार सुनकर आए थे। मैंने कहला भेजा था कि मैं केवल कर्ण के वध का समाचार सुनना चाहता हूं, परंतु तुम तो कर्ण के द्वारा मेरी पराजय का समाचार सुनने आए हो। क्या तुम मेरी गर्दन को शर्म से झुका हुआ देखने आए हो? नहीं बड़े भैया। तो फिर युद्ध भूमि छोड़कर क्यों आए हो? तुम जानते हो अर्जुन कि कर्ण ने एक एक करके सभी पांडवों को परास्त किया है, फिर भी उससे युद्ध करने की बजाय तुम मेरे शिविर में आए हो। बड़े भैया, मैंने सोचा कि आप परेशान होंगे। अच्छा, तो तुम मेरे आंसू पोंछने आए हो। मैं अपना खून बहाना पसंद करूंगा, परंतु अपनी हार पर रोना नहीं। कर्ण से परास्त होकर मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। मैं तो रणभूमि पर लड़ते लड़ते मर जाना चाहता था, परंतु कर्ण ने मुझे जीवन दान देकर इतना लज्जित कर दिया है कि अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। इस समय मैं जीवित हूं तो केवल इसलिए कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे पराक्रम पर भरोसा था। परंतु इस समय तुमने यहां पर आकर अपनी वीरता का नहीं, अपनी कायरता का परिचय दिया है अर्जुन, जो कर्ण जैसे वीर शत्रु को, जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी अपनी नाक रगड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, जो वीर योद्धाओं की पूरी सेना को मत कर रख देता है, मेरे पीछे अपनी सेना को उसके मुंह का ग्रास बनने के लिए छोड़ आए हो। बड़े भैया, भीम भैया भी तो है वहां। भीम अकेला क्या करेगा, क्या करेगा अकेला भीम? कर्ण ने रणभूमि पर भीम को परास्त करके छोड़ दिया था, तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, कैसे योद्धा हो? ये जानते हुए कि कर्ण का वध तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता, तुम मुझे सांत्वना देने आए हो। और यदि सांत्वना ही देना चाहते थे तो मेरे अपमान का बदला देकर दे सकते थे, द्रौपदी के अपमान का बदला देकर दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम भी मुझे सांत्वना देने के बहाने रणभूमि से भाग कर आए हो। वास्तव में धिक्कार है मुझ पर जो मैं दूसरों के भरोसे पर युद्ध कर रहा हूं। कर्ण
कर्ण से हार कभी मैं जीवित रहा तो केवल ये सोचकर कि तुम कर्ण को हरा कर फिर मुझे अभिमान से सर उठाने का अवसर दोगे। परंतु ऐसा लगता है कि अब यह अपमान मेरे साथ ही मेरी चिता तक जाएगा। अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे जीने से क्या लाभ। जिसका अपमान हो गया हो उसकी मृत्यु हो गई समझो। सर झुकाकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु के आंचल में अपना मुंह छुपा लूं। बड़े भैया, इतना निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं कि आप अपने अपमान के कारण इतने निराश हुए हैं, पर आप निराश होकर ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। हाँ बड़े भैया, निराशा ईश्वर का अपमान है, क्योंकि निराश होने का अर्थ यह हुआ कि आपने ये मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर अपनी शक्ति से बदलने की क्षमता नहीं रखता है। हां, आप अर्जुन से निराश हो सकते थे, परंतु आप ईश्वर से कैसे निराश हो सकते हैं? आप तो आस्थावान हैं। आपका यूं साहस खोना शोभा नहीं देता। और फिर आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, भली भांति जानते हैं कि युद्ध में हार जीत होती रहती है, और फिर इस युद्ध का अभी निर्णय भी नहीं हुआ है और ना ही अंत। हां, आप कर्ण से केवल एक लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। बड़े भैया, आप ईश्वर पर आस्था रखिए और अर्जुन पर विश्वास। ये युद्ध आप ही जीतेंगे। बड़े भैया, मैं ये युद्ध छोड़कर आपके पास इसलिए आया था कि आप निराशा में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आप महाराज हैं, यदि आप आत्महत्या की बात सोचेंगे तो आपके बिना ये युद्ध हम जीत कर भी क्या करेंगे। आप आत्महत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। आज मैं कर्ण से अंतिम युद्ध करने जा रहा हूं। लौटूंगा तो विजय तिलक लगाकर लौटूंगा, नहीं तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो केशव। के धनुष की टनककार यह घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन,
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूं जो शत्रु का पलड़ा भारी देखकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है, परंतु मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि तुम जैसा भगोड़ा योद्धा सबको अपने जैसा ही समझता है। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। बड़े दानवीर बनते हो, क्या भूल गए कि मैंने तुम्हें कई बार जीवन दान दिया था? विराट का गौधन चुराते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हें मारने के बजाय छोड़ दिया था। हाँ, कभी कभी संजोग से वो डाल भी टूट जाती है जिस पर एक कौवा बैठता है, तो कौवा ये समझता है कि उसके बोझ से वो डाल टूट गई है। तुम भी उस कौवे की भांति अपनी शूरवीरता के भ्रम में जी रहे हो। अर्जुन, तुम एक शूरवीर नहीं, कायर हो। कायर कायर मैं नहीं, तुम हो। तुम जो भरी सभा में तुमने एक निसहाय स्त्री को कैसी कैसी अश्लील गालियां दी थी, याद है सूत पुत्र? जो गालियों को हथियार बना लेता है वो योद्धा योद्धा नहीं, केवल कायर होता है। और जो किसी नारी को अपनी ढाल बना ले वो तो बड़ा वीर होता है। क्यों, भूल गए कि भीष्म पितामह का वध करने के लिए तुमने शिखंडी के आंचल की आड़ ली थी? स्वयं कायर होकर मुझे कायर कह रहे हो? कौन कितना कायर और कितना शूरवीर है इसका निर्णय आज हो जाएगा कर्ण। आज आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर करना है मुझे। हे कुंती पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा। मैं तो फिर सावधान। Thank you.
कर्ण और अर्जुन का नहीं बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है। हाँ भांजी, ऐसा भीषण युद्ध आज तक नहीं देखा। भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने। युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्न्यास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर अग्न्यास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? है उपाय, है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कान इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो यह अर्जुन का अग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो अग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं। वायुअस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा? मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। Oh!
मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रथ पिघल गया है। भांजे, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। देख रहे हो सर्प को? हाँ केशव, परंतु यह सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है, इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। यह तुम पर फिर से वार करेगा, इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता और फिर अर्जुन पानी तक नहीं मांग सकता था। परंतु इस कृष्ण की कुशलता के कारण अर्जुन की जान बच गई। श्री, अर्जुन मरते मरते बच गया। जाने किसका आशीर्वाद कवच बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहा है। इसका अवश्य घातक उत्तर देगा। हे
अर्जुन के और पास ले चलो। अब देखता हूं कि अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। क्या बात है साथी, रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है? हे उन्मत्तकर्ण, तूने मेरे गाय की हत्या की है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी। कर्ण, अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए।
झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम न आए। हाँ, नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद आए। वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूर वीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का यह धर्म होता है कि वे कभी अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर ये दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हाँ, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सब ने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था? तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है, इस सीमा को पार कर लो
शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ देख क्या रहे हो, उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है, यह कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का श्राप? हां पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ, तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए, जाओ। कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है, वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है, इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो पांच पांच पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर छह हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। इन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ, और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तुम चिंता ना करो कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का इतिहास मैं तुम्हारे खून से अपने नुकीले बाणों से लिखूंगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे तीर से किसी हिरण की भांति शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ घायल है तो क्या, मैं एक ही हाथ से तुमसे युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा यह एक हाथ ही पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन।
धर्म पर हूं, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो मेरे इस बाण से हमारे परम शत्रु कर्ण का वध हो जाए। समा रहा
रानी जी, बधाई हो, हम जीत गए। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अर्जुन ने सेनापति कर्ण का वध कर दिया महारानी जी। जीत की बधाइयां हृदय में ना संजो सके, मात की विवशता देखो हंस सके न रो सके। ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? बोल, क्यों तूने मृत्यु का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे इस अभागी माता का अभागा पुत्र भी ध्वस्त नहीं कर सका? क्यों? मृत्यु तो अटल है, एक दिन सबको आनी ही है, परंतु ये कैसी विडंबना है प्रभु कि एक भाई ने ही अपने भाई का वध कर दिया है और पांचों भाई मिलकर अपने ही भाई की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं। और मैं कितनी अभागी माता हूं कि अपने ही पुत्र की मृत्यु का खुलकर शोक भी नहीं मना सकती। मैं तो किसी को यह भी नहीं कह सकती प्रभु कि मरने वाला मेरा पुत्र था, ज्येष्ठ पांडव था। जीवन भर कर मेरी ममता से वंचित रहा, अपने दूसरे भाइयों की तरह मेरी गोद में सर रखकर कभी भी नहीं सो सका। और आज आज जब उसका सर धड़ से अलग होकर धूल और मिट्टी में सना हुआ पड़ा है, तो मन करता है कि सब कुछ भूल कर कम से कम एक बार मृत्यु के बाद ही सही उसके सर को अपनी गोद में रख लूं, अपने आंसुओं से उसके तन और मन पर लगे हुए जख्मों के निशान मिटा दूं। परंतु मैं तो ये भी नहीं कर सकती। मैं कैसे कह सकती हूं कि वो राधे नहीं कौन ते है? मेरा अपराध इतना ही था ना कि मैं बचपन की एक भूल को छुपाती रही, कि मैं मां होने के नाते अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकी, एक पक्षी की तरह उसे अपने परों में समेट कर सुरक्षा देने की बजाय उसे स्वयं अपने हाथों संसार के महासागर में तूफानों से लड़ने के लिए छोड़ दिया।
माता होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर सकी, परंतु तुम तो जानते हो प्रभु कि कर्ण ने पुत्र होने का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। उसने मुझे वचन दिया था कि मेरे 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे। उसने अपना कर्तव्य निभाया प्रभु, उसने अपना कर्तव्य निभाया। वो जानता था कि अगर आज भी मैं उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती तो संसार इस बात को नहीं मानता। अगर मैं ऐसा कर भी लेती तो मुझे संसार की घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। उसने मुझे अपमानित होने से बचा लिया प्रभु, बचा लिया। परंतु प्रभु, अगर मैंने उसकी मृत्यु के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या। चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणाहं करोमि, मम भावगीतम हृदयस्य प्रीतम त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।